वेलकम टू बिमल नींबू चैनल में फिर से सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो बोरिंग होने वाला है, तो पहले ही बोल देता हूँ, बाद में डिसलाइक मत मार देना, क्योंकि मैं गया था सारे गाँव स्कूल में, तो सर ने परमिशन नहीं दिया अंदर घुसने का और रिकॉर्डिंग करने का, इसलिए मैंने नहीं करा। तो मैंने उसको ही घुमा के ब्लॉगिंग यानी कि फ्लावर ब्लॉगिंग बना दिया, वो भी हॉस्पिटल में घुस के बनाया था, हॉस्पिटल में जो और स्कूल में भी घुस के बनाया, और थोड़ा शूटिंग चल रहा था उसको दिखाया और एक बड़ा पेड़ दिखाया, वही लास्ट वीडियो था। तो आज का वीडियो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाला है डीमा कोसी, क्योंकि हमारा बाइक इधर है, ये है हमारा बाइक, और हम इसको ब्रुम 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 जाएंगे। और जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ डीमा कोसी का क्लासिक यानी कि क्लासिक सारे गामा, तो उसको देखते रहना वीडियो को बिना स्किप करें। तो हम लोग फाइनली पहुँच गए जहाँ पर हम लोग को आना था, वो लोकेशन बोला था डीमा कोसी, और मैंने बाइक को इधर रख दिया। और इधर देख सकते हो मेरा फ्रेंड का बाइक, और अच्छा अच्छा स्कूटी लोग भी इधर रखा है, और इधर पता नहीं यार क्या कर रहा है ये लोग भी। लेकिन हमारा ये लास्ट ईयर है, क्योंकि हम लोग अभी आपको अच्छा अच्छा दिखाने वाला है। अंदर जाके सर को पूछेंगे यार, शायद रिकॉर्डिंग करना देगा, तो हम लोग सब सुनाएंगे क्या बोलता है, वो भी आपको बुझा के दिखाएंगे। तो इधर लड़का लोग कुछ प्रिपेयर सिरपेयर खेल रहा होगा, पता नहीं यार। तो हम लोग पहुंचने वाला है, तो आप लोग इधर सुनते हो कुछ आवाज़ आ रहा होगा शायद, हाँ 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 कर रहा है यार। तो अंदर अभी हम लोग का नहीं है, इसलिए बाद में आपको जाके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा दूंगा, और सारे गामा कैसा होता है वो भी मैं रिकॉर्डिंग करके सब दिखा दूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते रहना यार। तो आया था हम लोग वीडियो करने के लिए, लेकिन सर ने परमिशन नहीं दिया कि अंडर घुसने के लिए मना, अंडर घुसने के लिए नहीं है, रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया, इसलिए हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो आप लोग को शायद बोर लगला होगा, तो मैं थोड़ा दूर जाके एक गार्डन जैसा दिखा देता हूँ। और मैं अभी स्कूल पे हूँ जहाँ पर हम लोग को सारे काम सिखाता है। तो ये मेरा लास्ट ईयर है, 5 ईयर्स हो गया है। तो देख सकते हो हम लोग फाइनली पहुँच गए अभी कहाँ पर, जहाँ पर डीमा कोसी से एक इधर सप्लाई जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर पहुंच गए हैं। तो हम लोग को इधर, हम लोग का इधर एक छोटा मोटा जैसा ही पार्क जैसा, फूल का बगीचा जैसा लग रहा है, तो हम लोग वहां पर जाने वाला है। आपको वो दिखाने वाला है, तो हम अभी बैक कैमरा से करने वाला है। तो देख सकते हो आप यहां पर कुछ लिखा हुआ है, हमनी कर बचाओ टीवी भगाओ, क्या लिखा हुआ है यार पता नहीं। तो हम लोग अभी इधर से जाएंगे, इधर से घुसेंगे, और इतना अच्छा लग रहा है जैसा सीनरी अच्छा आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इधर ये बड़ा बड़ा पेड़, पता नहीं यार क्या का है, तो देख सकते हो इतना अच्छा अच्छा फूल। तो आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, सामने से दिखाता हूँ कि इतना अच्छा अच्छा फूल, ये देखिए जैसा ही हमारा गाँव में होता है सेम वैसा फूल है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सब देखिए, ये सब फूल देखिए, वाओ। पता नहीं ये हॉस्पिटल जैसा लग रहा है, लेकिन फूल इतना अच्छा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हो गुलाब का फूल, तो इधर मेरा सामने देख सकते हो रात रेड कलर का गुलाब है, तो शायद किसी किसी ने गुलाब नहीं देखा होगा, ये देख सकते हो गुलाब का फूल। तो मैं इधर एक मोबाइल से कैमरा पकड़ा हूँ, और मेरे पीछे अच्छा अच्छा गुलाब फूल है, ये देख सकते हो। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, ऐसा ही हंसी मजाक नहीं होने वाला है। आया था सारे गामा को मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को ही सुना दूंगा, लेकिन सर ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए मैंने वीडियो को कट कर दिया। तो मैं बैक कैमरा से दिखा देता हूँ, फिर से देखते रहो और मज़ा लेते रहो यार। तो यार यहाँ पर कुछ लिखा हुआ बोरोंगा जूली हॉस्पिटल है भाई, ये हॉस्पिटल है, कोई गार्डन नहीं है। तो हम लोग अभी उस भैया को पूछने वाला है कि नहीं पूछेंगे यार, हो गया।
तो यार मैंने इतना अच्छा अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस को दिखा दिया आपको, अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा मुझे पता है, लेकिन तब भी ऐसे ही हल्का वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो आज मैं इतना ही, शायद तो आगे जाके दिखाऊंगा फिर क्या क्या मिलेगा। तो मेरा पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो आप लोग, मैं एक हॉस्पिटल में आया था बोरंगा जुली, ऐसा बाहर से देखने से बहुत अच्छा लगा था ये देख के। हमने के बचा हुआ टीवी के भागा हुआ लिख रहा है यार आदिवासी से, पता नहीं यार क्या है। तो हम लोग अभी यहाँ से चलेंगे, हम लोग सोनाजुली बदला पड़ा का जो छोटा मोटा नतून स्कूल था उसमें हम लोग पहुंच गए। तो आप लोगों को मैं छोटा छोटा शॉट ही दिखाऊंगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम गए थे तो उस मकसद के लिए नहीं हुआ वीडियो, तो हम लोग छोटा छोटा मिला के बना देंगे। तो ये रोड है और इधर देख सकते हो स्कूल का नाम क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू क्या क्या क्या, हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, नंबर टू सोनाजुली बदलापड़ा चौक। तो हम लोग यहाँ का थोड़ा मोड़ा इधर फूल दिख रहा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिमाकोसी और डिमाकोसी वो क्या था पता नहीं यार, बोरंगा जुली था ये, लेकिन ये बोरंगा जुली नहीं है, ये है बदलापड़ा। तो इधर छोटा मोटा स्कूल बनाया था, तो इधर फूल मेरे पीछे देख सकते हो, इसको मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ यार, देख सकते हो ये इसको गुलाब का फूल बोलते हैं। ये फूल थोड़ा कुछ अजीब लग रहा है यार, हमारा भैया अभी अंतिम वीडियो होने वाला है, हमारा भैया कुछ बोलेगा। भैया इस बगीचे को क्या स्कूल वाले लगाए हैं क्या? हाँ स्कूल वाले ने लगाए। क्यों लगाए ऐसे ही? स्कूल फूल लगाने से लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा। लगाया नहीं ऐसे, ये फील्ड भी तो बना सकता था ना? नहीं ये स्कूल का ग्राउंड है ना, हाँ। इसीलिए हम लोग सोचा है मतलब स्कूल का ग्राउंड के सामने अगर फूल का बगीचा होने से सब आदमी लोग को अच्छा लगता है। ये स्कूल में कितने और कितने क्लास तक पढ़ते हैं ऐसे ही? नर्सरी टू क्लास फाइव, जस्ट ये इस साल पहला। नर्सरी टू क्लास फाइव इंग्लिश मीडियम है क्या? इंग्लिश मीडियम सेंट डोमिनिक सेवियर स्कूल। थैंक यू भैया को थैंक यू देना चाहता हूँ। तो मेरा बाइक इधर है, अभी हम लोग जाने वाला है फिर से ब्लॉगिंग करने, यानी कि फ्लावर ब्लॉगिंग होगा ये। तो यार आज मैंने ब्लॉग बनाने के लिए घूम रहा था, तो मेरा पीछे आदिवासी डांस देख सकते हो यार, आज आपको डांस शूटिंग भी मिलेगा। तो थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ, तो इधर इधर यार इधर 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 डांस शूटिंग चल रहा है। तो हमारा छोटा छोटा मैया भी देख रहे हैं हमको, तो देख सकते हो यार पीछे डांस शूटिंग चल रहा है और वो बड़ा बड़ा कैमरा बुका हुआ है, तो भाई साफ साफ देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। तो आप चुपचाप से सब्सक्राइब कर दो यार और लाइक कर दो। तो भाई अभी हम लोग आपको छोटा छोटा पेड़ दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी बामंजुल में है। तो मेरा पीछे एक अवतार फिल्म का जैसा पेड़ देख सकते हो यार, तो ये बामंजुली का पेड़ है, आप देख सकते हो इतना बड़ा पेड़, शायद आप लोग ने नहीं देखा होगा, सेम मुझे तो अवतार फिल्म जैसा फील हो रहा है। ये एक बामंजुली इधर इधर से डिमाकोसी जाने वाला है और इधर बामंजुली, और आज फ्लावर का यानी फ्लावर पेड़ ट्री का ब्लॉगिंग हो रहा है ये, आप देख सकते हो इसका पेड़ इतना छोटा है और इसका आंगा डाला इतना बड़ा बड़ा है, आप देख सकते हो। आपको मैं 360 डिग्री में भी दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो जैसा लग रहा है कि ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं पता नहीं यार क्या रख दिया है इधर, और ये पेड़ देख सकते हो इतना बड़ा पेड़। तो फिर से सोच रहा होगा कि ये बिमल आज फिर से क्या फ्लावर दिखाने वाला है, तो आज का फ्लावर नहीं है, आज मेरा बाइक ब्लॉगिंग लास्ट का सीन बाइक ब्लॉगिंग है। तो मैं फिलहाल इधर सामरंग है और इधर सुगुनबारी का माज में यानी कि मीडियम में हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, तो मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ यार लाइक तो कर देना यार मुझे प्यार करके यार। तो आज का वीडियो इतना ही अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और कमेंट में दामी बोल देना यार। तो मेरा पीछे देख सकते हो सामरंग और इधर सुगुनबारी, तो ये मेरा
फटर्रा बूम 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 बाइक और ये मैं यानी कि यूट्यूबर। तो बाय।